नमस्कार प्रणाम सस्त्रिया काल आदाब गोला गतानी हमारा नाम भाई अमित पट्टा मिश्र। आज हम पहुंचल बाटी धनघटा मुख चौराहे पर, जो की दूठी बहन यहाँ पे अपने पिता के इलाज के नाम पे पैसा मांगता थी और जे के चंदा के नाते कि पिता का दवाई हो जाए। और हम दिखाई भी बहन के हाथे में कहा बा, श्रीमान भाइयों बहनों से अनुरोध है कि उनके पिता की किडनी खराब हो गई है, उनको इलाज कराने के लिए पैसा नहीं है, कृपया आपसे मेरा आद्य निवेदन है कि 10-20 रुपए देने की कृपा करें। आपकी कृपा भगवान करेगा। मैं गरीब जात हरिजन की लड़की हूँ, पता मोल्लापुर जिला संत कबीर नगर महुली की निवासी बाटी। हम इनसे जानकारी ले, का नाम है? नेहा। कहाँ घर पड़ी? मोल्लापुर। प्रधान के है मोल्लापुर के? मथुरा से। मथुरा सिंह बात है? मथुरा सिंह नहीं, वो खत्म हो गए था। राजन बात है। राजन हाँ, प्रधान है। तो पिता के इलाज के कराने के लिए दोनों बहन मांग रही हो? हाँ। क्या हुआ पिता को? किडनी खराब हो गया। अच्छा। कितने दिन पहले? 10-12 दिन हुआ। कहाँ है पिता? कैसे पता चला किडनी खराब हो गई है? गोरखपुर दवा हो रहा। दिखाओ, तुम दिखाओ ये क्या है, ये वाला का दिखाओ। पैसा रख लो। अभी दे देंगे तुमको दे, पैसा रख लो तुम। और यह मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, दूसरी बहन है यह आदरणीय माता पिता भाई बहन से खेती बाड़ी नहीं है, मैं गरीब परिवार की लड़की हूँ, आप लोग मेरी गरीब देखकर मदद करें। मेरे पिताजी का किडनी खराब हो जाने से हम लोग भुखमरी के कगार में पहुंच चुके हैं। आप सभी माता पिता भाई बहन बूढ़े बुजुर्गों से मेरा विनम्र निवेदन प्रार्थना है कि लोग हमें दान देने की कृपा करें। 5-10-20-50 रुपए जो भी वृद्ध हुआ दे, ताकि पिता की किडनी की इलाज करा सकूं और पेट पर्दा चला सकूं। लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी का टुकड़ता से तो सब कुछ है बेकार। दान देने वालों को मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि जैसे लोग मेरी मदद करेंगे वैसे ईश्वर उन लोगों की खुशी देगा। क्या नाम है बेटा? पूजा। पिता जी क्या नाम है? पापा गांव कहाँ है? मोल्लापुर। मोल्लापुर का प्रधान के है? राजन सिंह। तो राजन सिंह आप लोगों से वो पैसा नहीं दे रहे हैं पिताजी की इलाज कराने के लिए? तो बहुत बड़े हैं और तुम पैसा मांग रही हो। मैं तुम्हारे पिता का इलाज कराऊंगा। मैं यहाँ पे मीडिया के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अपने चैनल के माध्यम से जितना भी दर्शक देखत बाटे आप लोगों के हम दिखावे कोशिश करत बाटी। देखी दू बहन बाटी जो कि इनका कहना बा कि इनके पिता का किडनी खराब हो गई बा और जेके लेकर के 10-20 रुपए दुकान वालन से मांगत हथिन। यही संत कबीर नगर जनपद के मोल्लापुर के रहे वाली बाटिन। और यहाँ दूसरी बहन के भी वह लिखल बा कि इनके पिता के किडनी खराब हो गई बा, मोल्लापुर के रहे वाला बाटिन। हम बलवंत भाई से चार की मोबाइल से मोल्लापुर के प्रधान से हम बात करी, इतना बड़ा बेइज्जती प्रधान काहे करावत बाटे घूम के कि एक गरीब लड़की के पिता के किडनी खराब बा और वो बेचारी दर दर का ठोकर खातिया। हम मदद करब, लाख 10,000-20,000 1,00,000-10,00,000-20,00,000 जितना रुपया लगी चंदा मांग के हम इनका व्यवस्था कराए और इलाज का काम करवाई। मेरा नंबर निकालो प्रधान का। हेलो, आप प्रधान जी बात कर रहे हैं? बढ़िया है। मोल्लापुर के प्रधान जी आप बताइए, आपके गांव की दो लड़की हैं जो इनके पिता की किडनी खराब हो गई है, धनघटा में ये लोग 10-20 रुपए मांग रही है पिता के इलाज कराने के लिए। अब यहाँ पे कागज है और ये लोग कह रही हैं कि मेरे पिता की किडनी खराब हुई है, मैं कागज भी आपको सेंड कर रहा हूँ। और यह कह रही है कि मथुरा सिंह हमारे गांव के प्रधान है, हमने कहा वो जिंदा है कहीं नहीं मर गए हैं, और राजन सिंह गांव के प्रधान है। क्या बात करिए इन बहन से, बात करो प्रधान जी से, बोलो प्रधान जी से, बात करो राजन भैया। राजन भैया से बात करो ना तुम।
है, बात करो राजन से, प्रधान है ना, बात करो, बात करो भाई तुम, भैया। अरे भर्जी मेंटल वाले हैं, तो आपका नाम बदनाम कर रही है। मैंने कहा ग्राम प्रधान जी का क्या नाम है, तो कह रही है कि मथुरा, हम कहली मथुरा है वह है मथुरा जी, तो कहे नहीं मर गए हैं राजन है। हमने कहा अच्छा बताइए आपके गाँव का नाम है, पूरे धनघटा में भीख मांगा था 10-10 रुपया दुकानी दुकानी का। अरे अब तो है, और कैसे हैं आप? और बढ़िया बढ़िया, ठीक ठीक भैया, अभी बात करते हैं भैया। ये देखिए ग्राम प्रधान से हम बात कैली, और तुरंत वो कहना कि फर्जी मेंटल वाली बाटी लड़की से जब प्रधान का नाम ले रही, प्रधान से बात करे के तो बात कैले से लड़की इनकार कर दे। देखिए कैसे लोग, अभी कुछ दिन पहले दिखौले रही है, एक औरत रही है जो कि वो अपने पति के कि हमारे पति मर गए बाटे, और लोटा और तीर धनुष लेकर के दुकानी दुकानी पे पैसा मांगत रही, नजर पड़ गई। हम कहली भैया मानवता के संसार करे वाला घटना हमारे सामने आ गई। हम कहली हम जितना पैसा लगी कामे में हम उतना पैसा देब, जनता से भीख मांग के देब, लेकिन देब। लेकिन ओकरे बाद भैया वो जब हम कैमरा चालू कैली बोलना, ये देखिए ग्राम प्रधान से हम बात कैली, और तुरंत वो कहना कि फर्जी मेंटल वाली बाटी लड़की से जब प्रधान का नाम ले रही, प्रधान से बात करे के तो बात कैले से लड़की इनकार कर दे। देखिए कैसे लोग, अभी कुछ दिन पहले दिखौले रही है, एक औरत रही है जो कि वो अपने पति के कि हमारे पति मर गए बाटे, और लोटा और तीर धनुष लेकर के दुकानी दुकानी पे पैसा मांगत रही, नजर पड़ गई। हम कहली भैया मानवता के संसार करे वाला घटना हमारे सामने आ गई। हम कहली हम जितना पैसा लगी कामे में हम उतना पैसा देब, जनता से भीख मांग के देब, लेकिन देब। लेकिन ओकरे बाद भैया वो जब हम कैमरा चालू कैली मोल्लापुर गाँव बता करके फरार हो गई। आज हम दुकानी पे देखी ये पर एक कुल्हड़ चाय वाले बहुत प्रसिद्ध हमारे धनघटा मोड़े पर, यही हम चाय पीले के बहाना हमारे भाई कहना अमित भाई चाय पीला, चाय पीले के बहाना रुकली तले भैया तनी दे। हम कहली कहा है भैया ये है जवान लड़की श्यान लड़की तो राह मांगत जाये। भैया जब कागज देखौली तब कागज देखे हमारे दर्द छलक गई, और उस कागज में लिखल कारल हमारे पिता, मैं बहुत गरीब घर की लड़की हूँ, पिता की किडनी खराब है, तब तक एक दूसरा वाली वो कागज लेके आ गए लड़की, वो कह दिया कि वो निकल रहा पिता की किडनी खराब है, जे के लेकर के भैया हम आप लोगों के देखौली, और समाज यहाँ इकट्ठा हो गए जो हम बोले लगनी। ओकरे बाद गांव के प्रधान के भल नंबर भी हमारे पास रहा है, तुरंत लगौली प्रधान जी कहने हमारे गाँव के ऐसा तक क्यों नहीं आई बाकरे बाद कुछ कागजा हमारे हथवा से भैया छोड़ के कुछ भाग गई बनल रही। देखी भीख मंगले के केन्ना केन्ना रूप होला, अगर कोई जरूरतमंद वाकई में अगर भीख मांगे तो कोई भीख देगा भैया? जब यह भीख की हर हदे पार कर देत बाटी, अगर कोई जरूरतमंद सही में भिखारी आ गई हम ओकर मदद करल चाहब, तब वो जनता नाई मदद करी, ये तो एक बहाना है। बनल रही हमारे चैनल के साथ, यही तरह देखाई हर हम जमीनी हकीकत आपके साथ। नमस्कार।